गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो अपन डिस्कस कर रहे थे कि चरों का त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा प्रतिस्थापन से समाकलन करना हो। उसमें हमने एक दो क्वेश्चन कर भी लिया था। अब आपका एग्जांपल 18 है जिसमें आपने वो दिया है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बट्टा एक्स प्लस एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटा एक्स प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखो जैसे क्वेश्चन को हम देखते ही हम पता चल जाना चाहिए कि इसमें अगली स्टेप क्या होगा। नीचे वाले जगह टी क्यूब करें पूरे की जगह, तो एक्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर जो ऊपर अवेलेबल नहीं है। 1 तो है लेकिन 3x स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। फिर देखो 1 प्लस x का होल स्क्वायर है, नीचे x प्लस x क्यूब है, तब इसको हम सोल्व कैसे करें। हमें क्या करना है, अगर अपने जो फॉर्मूले थे चार, वो फॉर्मूले भी अगर अपने को अप्लाई करने हैं तो ये आपका ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर अचर राशि होनी चाहिए जिसको हम कॉमन लेके बाहर ले लें, यानी ऊपर 1 बना सके। उसके अलावा नीचे आपका क्यूब स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, देखो दोनों पदों में अपना x कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं। तो i बराबर समाकलन ऑफ, तो x कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस x स्क्वायर बन गया, लेकिन ऊपर तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर है, नीचे वाला तो कोई कट नहीं रहा। तो क्या करें, देखो अगर हम इसका प्रसार करेंगे यानी फॉर्मूले को खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर रहेगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी 1 प्लस x स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। अगर हम इसका प्रसार करें तो हम ऐसा ही करते हैं ताकि इसे क्या करें, कैंसिल आउट कर सकें। तो एक एक्स एक का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी यानी एक गुणा करेंगे दो से दो आएगा, एक्स को गुणा करेंगे तो एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया। देखो इस इतने से में अगर हम इस पूरे का भाग दें तो भाग रह जाएगा, तो हम क्या करते हैं इस इतने से में अलग भाग देते हैं और उसमें अलग भाग देते हैं। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा x गुणा 1 प्लस x स्क्वायर, इसमें अलग भाग दे दिया, प्लस आपका 2x बटा x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसमें अलग भाग दे दिया। अब देखो आपका 1 प्लस x स्क्वायर से 1 प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका i बराबर समाकलन ऑफ 1 बटा x बचेगा केवल, प्लस यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बटा 1 प्लस x स्क्वायर बच गया। अब देखो इनका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, 1 बटा x का तो जाएगा log x, तो आपका बाहर आ जाएगा 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर होता है tan इनवर्स x, और यही अपना क्या हो गया, समाकलन हो गया। तो i बराबर 1 बटा x का तो आ गया log mod of x प्लस, तो आपका बाहर आ जाएगा जो अंदर वाला है उसका होता है tan इनवर्स x प्लस का c, और यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस करना क्या अपने को फर्स्ट स्टेप यानी पहला स्टेप हम कैसे आगे बढ़ाएं वो अपने को समझाना चाहिए कि हम किस प्रकार से करें। तो हमने सिंपल सा किया, ऊपर वाले का प्रसार कर दिया, नीचे वाले में एक्स कॉमन लिया, तो हमें लगने लग गया कि भाग लग जाएगा, तो अलग अलग भाग दिया, भाग देते ही तो आपका समाकलन हो ही गया सीधा। अब चलते हैं एग्जाम्पल 19 की ओर। एग्जाम्पल 19 में दे रखा है समाकलन साइन 2x cos 2x बटा अंडर रूट 9 माइनस cos की घात 4 2x dx, ये अपने को दिया है। अब क्या करें, देखो सबसे पहले इसको हम समाकलन रूप में लिखते हैं। तो let i बराबर समाकलन ऑफ साइन 2x cos 2x बटा अंडर रूट 9 माइनस cos की घात 4 2x dx। अब देखो अंडर रूट के अंदर है, अब अंडर रूट के अंदर है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है जैसे ऊपर वाला बढ़ जाए नीचे वाला बढ़ जाए इसको काट दे, वैसे तो बढ़ने से रहा क्योंकि ऊपर तो कोई पद एक ही है नीचे पद दो आपके हैं। तो क्या करें, तो देखो यहां इसको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, ये हम केवल ट्राई कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन अंदर वाले पूरी क्या कर दो, टी पुट करके देख लो। तो देखो हम टी पुट करेंगे तो 9 का तो जाएगा 0, अब कोस की घात 4 है तो 4 कोस की घात 3 तो आएगा ही, तो कोस की घात 3 अपने पास ऊपर है नहीं, इसका मतलब कोस की घात 4 की जगह टी तो पुट कर नहीं सकते। तो क्या करें, तो अपना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाओ, इसको
फिर पुट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो आपका आई बराबर समाकलन ऑफ साइन 2x कोस 2x बट्टा अंडर रूट में, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस, इसको लिख देंगे हम कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर बनाना था। और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपका, जैसे यहाँ 9 माइनस कोस की घात 4 2x है, तो एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यहाँ साइन की घात 4 2x है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपका विविध प्रश्नमाला में है। तो जब विविध प्रश्नमाला आएगी तब ये क्वेश्चन आपको दोबारा करवा दिया जाएगा, आपको दोबारा करवाने की नौबत नहीं है, आप पहले से तैयार रखो उस क्वेश्चन को, पहले ही सॉल्व करके देख लो कि अपने से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, बाकी हम तो करवाएंगे। तो ये बन गया। अब यहाँ x स्क्वायर हो सकता है या t स्क्वायर हो सकता है, तो हमारी चीजें एक्स्ट्रा कौन सी, एक तो ये एक्स्ट्रा है, यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए या t स्क्वायर होना चाहिए, एक ऊपर वाला नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, इस अंदर वाले t पुट करके देखते हैं कि ऊपर वाला हटता है या नहीं हटता। तो t पुट करेंगे तो cos स्क्वायर 2x का अवकलन हो जाएगा, पहले तो घात का होगा 2 cos 2x, तो cos 2x है, फिर cos का होगा sin 2x, तो sin 2x भी इसका उधर हट रहा है, तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे। तो पुट cos स्क्वायर 2x बराबर t। अब अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर अवकलन किया तो cos स्क्वायर है तो आपकी घात आ जाएगी आगे, फिर घात एक घात कम के लिख दो तो cos 2x, दो में से एक कम किया तो एक बचा, एक को लिखते नहीं तो cos 2x हो, ये तो घात का हुआ है। अब cos का खुद का करेंगे तो cos का क्या होता है, माइनस का sin 2x, फिर क्या होता है, फिर हम लिख देते हैं x का हो गया dx बराबर t का हो गया dt, और इसको हल आगे इसको सॉल्व करने लग जाते हैं तो सवाल क्या होता है, गलत होता है। अपनी मिस्टेक कहाँ होती है, हम घात का अवकलन कर देंगे, cos का अवकलन कर देंगे, लेकिन फिर 2x का अवकलन भी होगा, दो रह जाएगा और x का dx हो जाएगा, तो ये दो भूल जाते हैं, ये दो भूलते क्या होगा, अपना सवाल यहीं पे गलत हो जाएगा, आगे फिर चेक ही नहीं होगा। तो आपको मैंने गलती बता दी, इस सवाल में गलती होने के चांसेस यहाँ है, तो यहाँ ध्यान रखना। तब आपका हो जाएगा माइनस दो और दो चार, तो माइनस का चार cos 2x sin 2x dx बराबर d t, तो आपका रहेगा i बराबर समाकलन ऑफ, मानते हैं इसमें तो cos 2x sin 2x dx तो अपने पास है, cos 2x sin 2x dx तो अपने पास है, माइनस का चार नहीं है तो माइनस चार पहले उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा आपका sin 2x cos 2x dx बराबर dt बटा माइनस का 4, ये वहां रख देंगे तो ऊपर वाला दिया इससे से दिया जाएगा, तो आपका 1 बटा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर गुण, और यहां आ जाएगा आपका माइनस का dt बटा 4, तो i बराबर माइनस का 1 बटा 4 आ गया आपका बाहर, तो ये समाकलन ऑफ 1 बटा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला कौन सा, चूंकि समाकलन ऑफ 1 बटा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx हो, तो होता है आपका sin इनवर्स x बटा a प्लस का c, ऐसा होता है। अब क्या करेंगे हम, यहां अप्लाई करेंगे तो देखो a स्क्वायर की जगह तो है 3 का स्क्वायर, यानी a की जगह तो 3 है और x की जगह t है, तो इसलिए आपका i बराबर माइनस 1 बटा 4 तो पहले से था, साइन इनवर्स टी बट्टा 3 प्लस का सी, ये अपना समाकलन हो गया। अब टी का मान वापस रख देंगे, टी किस किस के रखा था, कोस स्क्वायर 2x की जगह रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो आई बराबर माइनस का 1 बट्टा 4 साइन इनवर्स कोस स्क्वायर 2x बटा 3 प्लस का सी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ आपका एग्जांपल 19 से वो कंप्लीट हो गया। आपको बता दिए, आपको केवल ध्यान यहां रखना है कि यहां जो 2 है इसको भूल जाते हैं, बाकी किस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, आसानी से ये क्वेश्चन क्या होता है हल हो जाता है। अब चलते हैं आगे। अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, समाकलन ऑफ 2 की पावर x बट्टा अंडर रूट में 1 माइनस 4 की घात x dx बराबर लैम्ब्डा साइन इनवर्स 2x प्लस c है, तो लैम्ब्डा का मान ज्ञात करना है, यानी अपने को क्या करना है, लैम्ब्डा फाइंड आउट करना है। तो इधर वाले को हम हल करेंगे,
उसके बचा दोनों साइड तुलना करेंगे तो आपका सी होगा वो छोड़ देंगे, साइन इनवर्स प्लस होगा वो छोड़ देंगे, बाकी बचा हुआ क्या होगा आपका लैम्डा होगा। अब ये समाकलन कैसे होगा, तो देखो हमने जब अवकलन किया था तो अवकलन में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उस समय हमने अवकलन करने के लिए इसको थोड़ा सोल्व किया था, उसके पश्चात उसका अवकलन हुआ था, तब मैंने आपको कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आपको समाकलन में मिलेगा, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा किसी की जगह पुट, उसमें भी हमने पुट किया था, इसमें भी हमें पुट करना पड़ेगा, तो मैंने दोनों जगह आपको सेम टू सेम बताया था कि यहाँ इस प्रकार से पुट होगा। अब ये समाकलन करना है तो समाकलन हल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, अंडर रूट में 1 माइनस ये दिया हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बटा ए होता है, तो यहाँ अंडर रूट है 1 माइनस 4 का घात एक्स है और यहाँ क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो पहले हम इसको स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर कैसे बनाओगे, समाकलन ऑफ 2 की घात एक्स डी एक्स बटा अंडर रूट में इस ए को तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस, अब 4 की घात एक्स का स्क्वायर कैसे बनाएंगे इसको, देखो 4 की घात एक्स है, इस 4 को हम ले सकते हैं 2 की घात 2 और इस पूरे की घात क्या है, इस 4 की घात एक्स है तो 2 की घात 2 का मतलब 4, इसकी घात एक्स होगी। अब देखो घात का एक रूल है, किसी भी संख्या की घात हो और इस पूरे की दोबारा घात हो तो घात आपस में क्या हो जाती है, गुण हो जाती है, तो यानी यह क्या होगी 2 और एक्स दोनों आपस में गुण हो जाएगा, तो ये 2 की घात 2 एक्स आ जाएगा। फिर अगर आपकी घाते गुण हो जाती है, गुण वाले को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अब अगर हम इसको 2x को यहाँ रख ले और इसकी घात 2 कर दे तो भी मान क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा, यानी 4 की घात x को हम 2 की घात x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं 2 की घात x का होल स्क्वायर। अब देखो बाकी अपना है वो को लिखते हैं, तो लैम्डा साइन इनवर्स 2 की घात x प्लस का, आप देखो अपना फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ टी स्क्वायर होना चाहिए या एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है आपका 2 की घात एक्स को हटाना है, इसको हटाना है, इसका मतलब इसकी जगह टी पुट करना है, तो इसका अवकलन ऊपर होना चाहिए 2 की घात एक्स से, 2 की घात एक्स का अवकलन का मतलब हो गया डी अपॉन डी एक्स ए की घात एक्स और ए की जगह कितना है 2 है, इसका अवकलन होता है ए की घात एक्स का ए की घात एक्स और लॉग ए, ये होता है। तो ये हम यहाँ करेंगे, कब करेंगे, पहले हम इसी टी पुट करेंगे, तो देखो 2 की घात x यानी a की घात 2 की घात x dx तो है, बस क्या नहीं है आपका log a नहीं है, log a तो अचर है, उसको हम क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे पुट 2 की घात x बराबर t। अब अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर अवकलन किया 2 की घात x का हो जाएगा 2 की घात x फिर log 2 बताया ए की घात एक्स और लॉग ए, तो 2 की घात एक्स और लॉग 2 गुणा फिर एक्स का करेंगे तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर टी का हो जाएगा डी टी, अपने पास 2 की घात एक्स है डी एक्स है बस लॉग 2 नहीं है, तो लॉग 2 का दे दो इधर भाग, तो 2 की घात एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा लॉग 2, ये हम क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, तो इसलिए आपका समाकलन ऑफ 1 बटा अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2 टी की घात एक्स स्क्वायर, टी का स्क्वायर ये हो गया गुणा 2 की घात एक्स का स्क्वायर था उस इसी का जीरो दिया तो टी का स्क्वायर बन गया गुणा इस ऊपर वाले पूरे की जगह आ जाएगा ये, तो टी टी बट्टा लोग 2 आ जाएगा बराबर आपका लैम्डा साइन इनवर्स 2 की घात एक्स प्लस का सी। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, देखो फॉर्मूला अप्लाई जाएगा आपका, तो चूंकि समाकलन ऑफ 1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस का सी, इसलिए यहाँ ए स्क्वायर तो एक जगह तो एक है एक्स स्क्वायर तो एक्स जगह क्या है टी है, तो आपको देखो 1 बटा लॉग लॉग 2 है इसको तो जाते बाहर यह आ जाएगा आपका 1 बटा लॉग 2, फिर समाकलन हो ही जाएगा इसका, इसका समाकलन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन इनवर्स देखो एक्स बटा ए एक्स टी है तो टी बटा एक तो टी आएगा फिर एक का भाग दो लेको लैम्डा प्लस का सी हो गया, फिर बराबर बराबर अपने को दिया होता है ये लैम्डा लैम्डा साइन इनवर्स 2 की घात एक्स प्लस का सी। अब टी का मान वापस रख दो तो पुट द वैल्यू ऑफ टी तो 1 बट्टा लॉग 2 साइन इनवर्स 2 की घात एक्स प्लस का सी बराबर लैम्डा साइन इनवर्स 2 की घात एक्स प्लस का सी, देखो सी है सी रहा
साइन इनवर्स टू एक्स है, साइन इनवर्स टू एक्स रहा, यहाँ एक बटा लॉग दो है, यहाँ लैम्ब्डा है, इसका मतलब लैम्ब्डा का मान कितना हो गया, लैम्ब्डा बराबर एक बटा लॉग दो, और यही क्या आपका आंसर। इस क्वेश्चन में हमने समाकलन भी कर लिया और लैम्ब्डा का मान भी याद कर लिया। अगर आपने इतना ये नहीं दिया होता, सीधा ये देता कि इसका समाकलन करो, तो हम समाकलन कर देंगे, तो अपना क्या होता, ये इधर वाला आंसर हो जाता, ये वाला। अब लेकिन हमें तुलना करके लैम्ब्डा का मान निकालना था, मैंने तुलना करके किस कर दिया, लैम्ब्डा का मान निकाल लिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। अब बड़ा एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन है, 1/50 प्लस 2x2, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो पहले इसको हम समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो आपका हो जाएगा लेट i बराबर समाकलन ऑफ 1/50 प्लस 2x2 dx। अब देखो, अब 1/50 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका ये फॉर्मूला बनेगा, यानी ये रूप बन जाएगा आपका 1/a² प्लस x² dx वाला, जिसका मान होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये रूप बन जाए। अब ये बढ़ेगा कैसे, देखो a² प्लस x², तो यहां देखो x² के साथ 2 है और 2 को हम कॉमन ले सकते हैं आसानी से, तो आपका x² अकेला हो जाएगा। तो पहले हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो समाकलन ऑफ 1/2 आपका आ गया, नहीं हो गया 25 प्लस का x² dx, तो ये बन गया 2 अपन बाहर लेंगे तो 1/2 जाएगा, समाकलन ऑफ 1/25 को लिख देंगे हम 5 का स्क्वायर, और ये आपका x² dx है ही है। अब देखो ये रूप बन गया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हम कह देंगे चूंकि समाकलन ऑफ 1/a² प्लस x² dx बराबर होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का सी। आपको ये बताया हुआ भी है कि इससे ये फॉर्मूला कैसे आया है, सिद्ध करके भी बताया हुआ है, फॉर्मूला भी बताया हुआ, तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, इसको सिद्ध करना भी याद रखना है कि ये किस प्रकार आता है। जब आपको ये सिद्ध करना आ जाएगा तो फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, तो दोनों पे आपको प्रैक्टिस करनी है। हम सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं सारे क्वेश्चनों में, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जितने भी फॉर्मूले आपको लिखाए गए थे वो सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, तब जाके समाधान आपका क्लियर होगा। और समाधान में बहुत सारी दिक्कतें आती है, अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे, रेगुलर समझते हुए चलोगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कभी पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे तब तो दिक्कत आनी है। चलो क्वेश्चन की तरफ, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसलिए आपका आई बराबर 1/2 × 1/a, ए की जगह कौन है, देखो ए की जगह 5 है, तो 1/5, फिर टेन इनवर्स एक्स की जगह एक्स है और ए की जगह 5 है और प्लस का सी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई बराबर 1/10 टेन इनवर्स x/5 प्लस का सी, ये क्या हुआ आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकंड की ओर, तो हम सेकंड को अभी क्या करते हैं, समाकलन रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। सेकंड क्या क्या रहा है, 1/√32 − 2x², तो इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। पहले लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1/√32 − 2x² dx, तो इसको भी देखो 1/ ऊपर तो कोई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा भी सही है, अंडरूट भी सही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है और 2 पूरे में से कॉमन आ सकता है, तो पहले 2 को कॉमन ले लो उसके बाद में स्क्वायर बना लो। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1/√ 2 कॉमन लेते ये बन गया आपका 16 माइनस का x² dx। अब 2 को इससे अलग कर दो यानी बाहर आ जाएगा आपका 2, अंडरूट के साथ आएगा, अंडरूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो अंडरूट का 2 आ गया। समाकलन ऑफ 1/√ 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर माइनस x² dx हो गया, तो ये बन गया 1/√a² − x², और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि समाकलन ऑफ 1/√a² − x² dx बराबर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस का सी होता है, इसलिए आपका आई बराबर 1/√2 दिया हुआ अपने को, तो लिख दिया तो दिया वो, फिर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x ही है, बटा 1 की जगह 4 है और प्लस का सी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई किया तो अपना फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बनते ही हमने सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आपका क्वेश्चन सेकंड है, इसमें फर्स्ट अपने को दिया हुआ है 1/√1 − e^2x, तो इसका समाकलन करना है, तो पहले इसको हम समाकलन रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं, तो लेट
आई बराबर समाकलन ऑफ एक बट्टा अंडर रूट वन माइनस ई की पावर टू एक्स डी एक्स। तो एक बट्टा अंडर रूट वन माइनस ई की पावर टू एक्स है, तो यहां देखो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। या तो पहले चेक करो कि वैसे अगर टी फुट करते ऊपर वाला ऊपर हट जाए, ये हट जाए ऊपर वाला भी, इसका आउटलाइन भी इसमें विद्यमान हो, तो आपका वन माइनस टी स्क्वायर जिसमें सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन ए की पावर टू एक्स से तो इसको पहले हम स्क्वायर बनाएंगे उसके बाद हटाने की कोशिश करेंगे, तो आपका बनेगा आई बराबर समाकलन ऑफ एक बट्टा अंडर रूट वन माइनस, अब ए की पावर टू एक्स है, इसको हम ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर ए की पावर थ्री एक्स है तो उसको ए की पावर एक्स की घात तीन लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब अंदर वाला दिक्कत करा था, अंदर वाले जो टी पुट करेंगे तो ऊपर ई की पावर एक्स का होल ई की पावर एक्स होता है, तो हमारे पास विद्यमान नहीं है, इसका मतलब इसकी जगह हम टी पुट नहीं कर सकते, अभी इसकी जगह टी पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसकी जगह टी पुट तभी कर सकते हैं जब इसका जो ये पद है इसका अवकलन ऊपर विद्यमान हो, लेकिन इसका अवकलन विद्यमान नहीं है तब तो अवकलन नहीं होगा, पुट नहीं होगा, तो क्या करें? तो पहले ऊपर क्या करो, ई की पावर एक्स बनाओ, उसके बाद में अवकलन होगा। अब ई की पावर एक्स बनाएगा तो हम क्या करें, इसमें से कॉमन ले ले, इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट के अंदर से अगर सिंगल घात कॉमन ली तो बाहर नहीं जा सकता, हमें स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक ही घात एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो वो क्या होगा, अंडर रूट से बाहर जाके उसको ऊपर भेज देंगे, फिर टी पुट कर देंगे। कैसे होगा, देखो आई बराबर समाकलन ऑफ एक बट्टा अंडर रूट, हमने ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो यहाँ इसके पास नहीं थी तो ये बट्टा में आ गई, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसके पास था तो यहाँ पे एक बच गया, पूरा कॉमन आ गया डी एक्स। अब ये क्या हो गया, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर इस वजह से, और स्क्वायर हट जाएगा आपको, तो समाकलन ऑफ एक बट्टा e की पावर x अंडर रूट, ये बट्टा के नीचे है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगी, तो e की घात x की घात माइनस दो, क्योंकि नीचे वाले घात दो है तो ऊपर जाती घात माइनस, तो माइनस का दो हो गया, फिर माइनस एक और डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, e की घात x को ऊपर भेज देते क्योंकि ऊपर ऊपर ही चाहिए, तो ये बन जाएगा आपका आई बराबर समाकलन ऑफ e की घात माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो ये e की घात x का अवकलन नहीं बना, ये e की घात माइनस x का बना, e की घात x का अवकलन करोगे तो e की घात x आएगा, e की घात माइनस x का अवकलन करोगे तो e की घात माइनस x आएगा, साथ में माइनस भी आएगा, वो अपने मैटर नहीं करता, अभी हम केवल देख रहे हैं वो पद है या नहीं है। तो इसका मतलब e की घात माइनस x की जगह हम टी पुट कर सकते हैं, यहां e की घात x है तो इसको माइनस x कैसे बनाएंगे, देखो अंडर रूट के अंदर ये जो माइनस है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा e की घात माइनस x, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ कितना बचा, दो बचा, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। ऐसा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ई की घात एक्स है और बाहर माइनस दो है, तो इस माइनस दो को हम माइनस एक गुणा दो लिख सकते हैं, और किसी भी संख्या घात की दोबारा घात तो उसको आपस में गुणा भी कर सकते हैं, तो ई की घात एक्स गुणा माइनस का एक और दो रख लो, अपनी जरूरत नहीं है, इसलिए अब ये गुणा होता है ई की घात माइनस एक्स का होल स्क्वायर बढ़ जाएगा, जो कि बढ़ चुका है माइनस का एक। अब देखो इसका अवकलन बाहर, तो अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, टी पुट करते हैं, तो पुट e की पावर माइनस एक्स बराबर टी, अब अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर अवकलन किया e की घात माइनस एक्स का e की घात माइनस एक्स गुणा माइनस एक्स है तो माइनस ऐसे रह जाएगा, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर टी का हो जाएगा डी टी। अपने पास e की घात माइनस एक्स है डी एक्स है लेकिन माइनस नहीं है तो माइनस को भेज दो उधर, तो e की घात माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी बट्टा माइनस का एक हो गया। अब हम ये इसमें रख देंगे, तो इसलिए आपका आई बराबर समाकलन ऑफ e की घात माइनस एक्स डी एक्स उसकी जगह डी टी बट्टा माइनस का एक आ जाएगा, बाकी यहाँ टी आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा एक बट्टा अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस वन गुणा डी टी बट्टा माइनस का एक हो गया। अब ये माइनस तो आपका यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा होगा, चूंकि समाकलन ऑफ एक बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स जो होता है आपका लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी, ये होगा। तो अब इसमें मान रख देंगे, तो आपका इसलिए आई बराबर माइनस लॉग समाकलन ऑफ एक्स की क्या टी है तो टी प्लस अंडर रूट पे जो दिया वैसे का वैसा टी स्क्वायर माइनस एक प्लस का सी हो गया। अब हम क्या करते हैं, टी का मान रख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ
ऑफ टी, तो आई बराबर माइनस का लॉग ई की घात माइनस एक्स प्लस अंडरूट में ई की घात माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस का सी। अब क्या करेंगे, देखो ई की घात आपका माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के पश्चात अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, आई बराबर माइनस लॉग ए की घात माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में ए की घात माइनस टू एक्स माइनस एक प्लस का सी, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट है और आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, उन पर हम डिस्कस करेंगे कल। आज के इतना ही, धन्यवाद।